गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारा जो चैप्टर था प्राचीन भारतीय शिक्षा में वैदिक शिक्षा, इस चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें कल हमने पढ़ा था भारतीय शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श, इसी को हम आज आगे करेंगे। इसमें हमने फर्स्ट जो इसका था ज्ञान एवं अनुभव की प्राथमिकता, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका सेकंड नंबर है आपका चित विद्या का निरोध। इसका तात्पर्य बच्चों यह है कि प्राचीन काल में जो एक शिक्षा के आध्यात्मिकता की ओर उन्मुक्त थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये शिक्षा थी वो आध्यात्मिक शिक्षा की ओर इसका विशेष ध्यान दिया जाता था। इसमें डॉक्टर मुखर्जी ने अपने शब्दों में कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य चित्तवृत्ति निरोध अर्थात मन से उन कार्यों का निरोध था जिनके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाता है। वास्तव में इस प्राचीन भारतीय समाज का की मान्यता थी कि शरीर की अपेक्षा आत्मा का अधिक महत्व है। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि इस समय की शिक्षा में शरीर से ज़्यादा उसके मन पे विशेष ध्यान दिया जाता था और मन की शिक्षाओं पर, मन के कार्यों पे काम किया जाता था। शरीर की अपेक्षा जो इसकी आत्मा का अधिक महत्व था। आत्मा को नाश्वर माना गया है जबकि शरीर को आत्मा को अनाश्वर माना गया माना जाता था और शरीर को नाश्वर। कहने की तात्पर्य यह है बच्चों कि जो एक शरीर है, व्यक्ति का जो एक बॉडी है वो ख़त्म हो सकती है, उसका नाश हो सकता है, बट जो आत्मा है उसका नाश नहीं होता है, यह हमेशा जीवित रहती है, या हमेशा इसका ये हमेशा जीवित रहती है, इसका कभी नाश नहीं होता है। इस स्थिति में आत्मा के विकास और उत्थान को प्राथमिकता दी गई थी तथा इसके लिए जप, तप, योग आदि उपायों को अपनाया गया था। बच्चों इस समय जो शिक्षा थी उसमें हर प्रकार के जप, योग और तप किए जाते थे जिससे कि जो मन है उसका अधिक विकास हो सके और उसके लिए कार्य किया जा सके। बच्चों शिक्षा के इस उद्देश्य में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जाने वाले प्रयास मन को इधर वो भटकने से रोकना था। मतलब जो व्यक्ति का मन है वो इधर उधर ना भटके इस बात का प्रयास किया जाता था। जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति में सहायता प्राप्त होती थी जिससे कि मन नहीं भटकेगा तो जीवन के जो और अधिक मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मन सहायक होगा। बच्चों नंबर 3 है ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता के प्रति उन्मुक्त करना। बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन शिक्षा धर्म केंद्रित थी जो धर्म की शिक्षा देती थी और इस काल में शिक्षा का एक उद्देश्य छात्रों को ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता के प्रति उन्मुक्त करना था। कहने का मतलब यह है कि बच्चों को ईश्वर की भक्ति और धार्मिक जो भी कार्य होते थे उन पर उनके बारे में बताया जाता था, शिक्षित किया जाता था। बच्चों जो इसका उद्देश्य था वो उद्देश्य निर्धारण भी जीवन के परम लक्ष्य व मोक्ष की प्राप्ति के बारे में ही किया जाता था। मोक्ष प्राप्ति के ईश्वर भक्ति व धार्मिकता की भावना को परिपूर्ण होना नितांत आवश्यक था। कहने का तात्पर्य यह है ईश्वर की भक्ति के लिए उसका जो धार्मिक कार्य थे उन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। बच्चों शिक्षा इस काल में छात्रों को ईश्वर भक्ति व धार्मिकता के प्रति जो एक दृष्टिकोण था वह दृष्टि व्रत, यज्ञ, उपासना, धार्मिक उपासनाओं के समारोह द्वारा उनको अनिवार्य किया गया था और उनके द्वारा ही उनको सिखाया जाता था।
जो प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य था वो डॉक्टर अलतेकर ने अपने शब्दों में कहा है कि शब्द सब प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष उद्देश्य शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्रों को समाज व धार्मिक सदस्यों सदस्यता बनाए रखना था। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों की समाज में जो एक धार्मिक शिक्षा थी व जो एक बच्चों को सिखाया जाता था कि धर्म की ओर विशेष ध्यान देना था, भक्ति की ओर विशेष ध्यान देना था, ईश्वर पे ज़्यादा ध्यान लगाया जाता था, इस का और भी और दूसरी चीज़ों पे ध्यान करने के लिए उनको नहीं बताया जाता था। बच्चों इसके आगे कल हम पढ़ेंगे छात्रों के चरित्र का निर्माण। थैंक यू।